नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुबीन। बात बतेगी इस प्रोग्राम में सिटी वेब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार जो पिछला एपिसोड हम लोगों ने बनाया था आपके लिए, उसमें हम लोगों ने कुछ बीमारियों को लेकर के अमरूद के फ़ायदे बतलाए थे। तो इसी तरीके से आज फिर हम एक प्रोग्राम आपके लिए लाए हैं और इसमें जो हम आपको बताने वाले हैं वो खजूर यानी कि डेट खजूर या कि कितने फ़ायदे आपके लिए हैं और आप खजूर से कितने फ़ायदे के लिए बना सकते हैं वो ये देखना होता है। जैसे कि आजकल का जो दौर, मैं फिर वही बात कहूँगा कि जो दौर आजकल का चल रहा है, इतनी एक तरफ महामारी है, दूसरा इंसान के पास वक्त ही नहीं है, दूसरा कहीं जॉब की टेंशन है, कहीं घरेलू समस्याएं हैं, तो बहुत सारी परेशानियों में जो है वो बंदा उलझा हुआ है, दुनिया भर की टेंशन है उसको मिली हुई हैं। तो उस सब चीज़ों को देखते हुए इतनी सारी भागदौड़ में हमें क्या करना है, अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना है, कैसे हम क्या करें। मैंने कहा कि नेचर एक ऐसी चीज़ है, अगर हम इसके बारे में सोचें, इसके बारे में पढ़ें, इसके बारे में सुने, तो बहुत सारी चीज़ें हमें नेचर ऐसी देता है जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती हैं। तो इसी तरीके से पहले मैंने आपको बताया था अमरूद, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ खजूर के ऊपर। खजूर को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होता है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि जो आजकल की जो खासतौर से युवा पीढ़ी है उसमें अक्सर ये देखा जाता है कि उसके अंदर कैल्शियम, विटामिन और आयरन की कमी होती है। जो हमारे मतलब टीनएजर्स हैं, उसमें लड़के हैं या लड़कियां हैं, वो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि भाई उनको टांगों में बेचैनी है, टांगों में दर्द हो रहा है, हाथ पांव सूजन पड़ जाते हैं, लेटे या बैठे बैठे एक टांग सुन हो गई है, एक हाथ सुनपन आ गया है उसमें, या उन रात को लेटते वक्त जो है वो टांगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। तो कैल्शियम की ज़्यादातर अक्सर हम दवाइयाँ बाहर से लेते हैं। मैंने कहा था कि भाई उसका कहीं ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। भाई अगर आप कैल्शियम एलोपैथिक में लेते हैं तो गुर्दे में पथरी पैदा करेगा, लेकिन अगर नेचर से आप कैल्शियम लेते हैं तो वो आपको किस किस तरीके से फ़ायदे आपको देगा, वो आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आप एक काम कीजिए कि सबसे पहले वही बात आएगी कि मिट्टी के बर्तन यूज़ करने की आदत डालें। अपने घर में मिट्टी के बर्तन ला के रखें, मिट्टी के बर्तन में पानी इस्तेमाल करें, मिट्टी के बर्तन में पिएं और हो सके तो खाना भी मिट्टी के बर्तन में बनाएं। तो आपने क्या करना है, आपने 7 खजूर लेनी है। 7 खजूर लेकर के आप रात को एक मिट्टी के बर्तन में उसको भिगो दें। सुबह आप उठें, निहार मुंह, उसको गुठली निकालें आप उसमें से और उसकी कैप उतारें और उसी पानी के साथ मिक्सी में ग्राइंड करके आप पी लें। लगभग 1 महीना आप करें, उससे क्या होगा कि आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रांग होगी, उससे आपको एक ताकत मिलेगी। एक तो ये तरीका आपका हो गया। सेकंड, अगर आपको कैल्शियम और विटामिन्स की कमी को पूरा करना है तो आप खजूर लें और अच्छे वाली खजूर मंगाएं और साथ में सफ़ेद तिल। तिलों का आपने कैसे यूज़ करना है, आप खजूर लेंगे, अगर कोई बड़ा बंदा है तो उसके लिए जो है वो 2 खजूर सुबह, 2 दोपहर 2 शाम ले सकते हैं, और अगर बच्चा है तो उसके लिए 1-1। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। खजूर आप लेंगे, अच्छे वाली खजूर लें आप, उसमें से गुठली निकालें, कैप उतारें उसकी, उसमें सफ़ेद तिल को भरें, 2 आप सुबह लें, 2 दोपहर लें, 2 शाम लें। इसको आप 40 दिन यूज़ करें, आप खुद महसूस करेंगे 1 महीने के बाद कि आपको जो है जो आपके टांगों की बेचैनी है, जो आपके अंदर वीकनेस है, उसमें अब धीरे धीरे कमी आ रही है। तो ये जो है, अगर आप खजूर को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और इसका और एक तरीका है कि ये मैंने बताया, और अगर जनरल वीकनेस, आप शारीरिक तौर पे अगर आप कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं तो आप खजूर लें, 3-4 खजूर लें और 1 मक्खन की टिक्की लें, तो वही गुठली और कैप उतारें और बीच में से जो है उसमें मक्खन भरें खजूर में, तो आप 3-4 खजूर वो रेगुलर आप खा सकते हैं, तो उससे भी आपको कहीं एक
टाइम तक जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। उसमें आपकी इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रांग होगी, आपको आपकी स्ट्रेंथ भी आपकी बनेगी। असल में क्या है कि आजकल लोग कहते हैं कि भाई जिम जाइए, जिम में आपको ये खाना है, वो खाना है, फलाना खाना है, ढिमका खाना है। वो सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर एक टाइम के लिए तो आपके लिए वो आपको लग सकता है कि हाँ अब इनसे हमें फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है। लॉन्ग टाइम के लिए यही सारी चीज़ें हैं, अगर आप इनको देखेंगे, इनको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे, आप खुद देखें भाई खजूर है वो इतनी अच्छी चीज़ है आपके लिए, और उससे हाजमा भी अच्छा होता है, आपका एक्सेंस ऑफ ह्यूमर भी स्ट्रांग बनेगा और आपकी जो स्किन को भी वो कई तरीके से फ़ायदा पहुँचाएगी। तो ये देखें आप, और साथ ही साथ अगर हम बात करें और इस टॉपिक पे, जितना भी हम जाएंगे, जितना हम इसको इस लंबा खींचते जाएं उतना ये खींचता चला जाएगा। और मेरे ख्याल से अब ज़्यादा तो इस पे और चर्चा करनी मैं समझता हूँ कि भाई वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बस अभी इतना आज के लिए, और अगले एपिसोड में फिर हम एक प्रकृति से जुड़ी हुई एक चीज़ आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगी कहीं ना कहीं। असल में बस वही है कि गौर करना होता है कि हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने बताया कुछ कंपनीज हैं, जैसे कि एक कंपनी है एम ए हर्बल, उसका एक प्रोडक्ट आता है, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इम्यूनी बूस्टर के लिए, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक कंपनी का भी एक बादाम बूस्टर के नाम से आया एक प्रोडक्ट आता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप में कम किसी भी प्रकार की कोई भी कमज़ोरी आ रही है, तो एम ए हर्बल कंपनी का ये एक बादाम बूस्टर के नाम से एक प्रोडक्ट आता है। इसमें दर्जनों जड़ी बूटियों से ये बना हुआ है, इसमें आपकी इम्यूनिटी पावर को जो ताकत देंगी, उसको बढ़ाएंगी, वो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, जैसे जाफरान है, सेब है, आंवला है, बादाम शीरी है, काजू है, पीपल कला है, बहुत सारी जड़ी बूटियों से इस तरह की जो है वो आप जो है इस कंपनी का ये प्रोडक्ट मंगा करके इसको यूज़ करें। इसको आप देखें, इसे दो से तीन दिन में ही आपकी इम्यूनिटी पावर वो स्ट्रांग होने लगेगी। अगर इसका मैं अमेज़ॉन पे भी मैं देखता हूँ, अगर इसका अमेज़ॉन का लिंक हुआ तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो आपको मिल जाएगा, और वैसे जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस नंबर पर भी कॉल करके आप इस प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं, ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। बाकी आप पता कर सकते हैं कि जो अपने नज़दीक किसी मेडिकल स्टोर से, वहाँ पर भी ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। और जो है अगर आप अमेज़ॉन से मंगाना चाहते हैं तो आप अमेज़ॉन से मंगा लीजिए, नहीं तो आप इस नंबर पे भी कॉल करके इस प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अपना जो है व्यूज़ देना ना भूलें कमेंट में, आपको किस तरह की और वीडियोस देखनी है, किस तरीके के प्रोग्राम की आप हमसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।